बिजनौर से अगली बड़ी खबर मिल रही है, जहां सामाजिक न्याय यात्रा समापन कार्यक्रम आज होगा। पूर्व सीएम अखिलेश यादव कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज 12:30 बजे खालसा इंटर कॉलेज पहुंचेंगे अखिलेश। 16 नवंबर को लखनऊ से शुरू हुई थी सामाजिक न्याय यात्रा। जातीय जनगणना, आरक्षण सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ये यात्रा होगी। तो बिजनौर से खबर आपको बता रहे हैं, सामाजिक न्याय यात्रा का आज कार्यक्रम है, जिसमें 16 नवंबर को लखनऊ से सामाजिक न्याय यात्रा शुरू हुई थी। जातीय जनगणना, आरक्षण सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर ये यात्रा होगी। तो पूर्व सीएम अखिलेश यादव खालसा इंटर कॉलेज में सभा करने जा रहे हैं, जिसमें वो आज 12:30 बजे इस यात्रा में शामिल होंगे। जातीय जनगणना, आरक्षण सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ये यात्रा निकाली जा रही है। तो बिजनौर से खबर आपको बता रही हैं, और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज समता पवन सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी पवन, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज तमाम कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। यात्रा खास तौर से अपने आप में इसलिए खास है क्योंकि बहुत सारे ऐसे अलग अलग मुद्दे होने वाले हैं जो इस यात्रा में शामिल किए जाएंगे। कौन कौन से वो मुद्दे होंगे? देखिए मुसरा, अखिलेश यादव की यह सामाजिक न्याय यात्रा 16 नवंबर को लखनऊ से प्रारंभ हुई थी, जो करीब 17 जिलों से होते हुए आज बिजनौर पहुंचेगी और आज 12:30 बजे वहां बिजनौर में वहां जनसभा को एक संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। उनका ये मानना है और ये चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में ये जो सामाजिक न्याय यात्रा उन्होंने निकाली है, उसमें कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ने के लिए और जो पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अन्य बहुत सारे ऐसे जो वर्ग के लोग हैं उनको अपने साथ जोड़ना और जो यह जनगणना है उसके लिए जागरूक करना कि अगर जनगणना होती है तो उसमें जिन लोग जो लोग इसमें वंचित हैं उनको इसके साथ कैसे जोड़ा जाए, सरकार की जो योजनाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उसको उनको कैसे जोड़ा जाए, और अपने साथ जोड़ने के लिए यह सामाजिक न्याय यात्रा उन्होंने निकाली है जिससे लोगों को जागरूक कर सकें, लोगों को अपने साथ जोड़ सकें। इस यात्रा में इस करीब पश्चिम के 17 जिले शामिल हैं, जिन जिलों से यात्रा होके जा रही थी उसमें बहुत वरिष्ठ नेता लगाए गए थे। हर जिले में इस यात्रा में बहुत सारे लोग जनसभा में संबोधित करते थे, मिलते थे, और बीच बीच में कई जगह अखिलेश यादव ने इस जनसभा को संबोधित किया। आज उसका समापन बिजनौर में होगा, जिसको 12:30 बजे अखिलेश यादव एक जनसभा के साथ संबोधित करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी है, जिसको लेकर के अखिलेश यादव लगातार यहाँ संघर्ष कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विरोध में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको अपने साथ बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ ऐसी यात्रा या जनसभा या कोई न कोई ऐसी व्यवस्था बनाए रखनी है जिसके साथ अखिलेश यादव अपने साथ उन कार्यकर्ताओं को जोड़ सके। और इस कड़ी में अभी इन्होंने पश्चिम की जो यात्रा निकाली है, इसके बाद पूर्वांचल के लिए भी ये यात्रा निकालेंगे। उनका मानना है कि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी या जाति जनगणना के साथ सबका जो पोजीशन है वो क्लियर नहीं होगा, उससे सभी लोगों को लाभ नहीं हो पाएगा, बहुत सारी चीजों से लोग वंचित रहेंगे। यह उनकी अपनी सोच है और इन्होंने इस बात को जब 16 नवंबर को जब यहां से यात्रा प्रारंभ हो रही थी उन्होंने अपने भाषण में बहुत सारी ऐसी चीजें और मुद्दों को जोड़ करके उन्होंने बताया था। जी बुसरा, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पवन।